हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस तरीके के कई और भी एक्ट हैं जो कंपनी रूल के अंडर में आते हैं। तो गाइस, शुरुआत कहाँ से होती है? आपको पता होगा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद ही भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही ज़्यादा नीड फील हुई कि भाई भारत के पास भी अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 1934 में एम एन रॉय ने इस चीज़ को जो है सुझाव दिया था कि आप जो है भारत के लिए ऐसा कुछ लेकर के आए। कहाँ पर? अब उद्देश्य से 1946 में जो है एक संवैधानिक सभा का गठन हुआ था, जो कि हम सभी लोग फैक्ट से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। थोड़ा सा बस बैकग्राउंड बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आ गया, बन के तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। अब देखिए, संविधान और राज व्यवस्था की जो घटनाएं हैं, विशेषताएं हैं, वो हमने कहाँ से ग्रहण की हैं? वो हमने सभी जो हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली हैं, ब्रिटिश शासन से ली हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? जब इस समय ये सारे कारण चल रहे थे भारत में, कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थीं जिनके कारण ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश शासित जो है भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा मतलब काफ़ी हद तक जो है लिमिटेड कर दी गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। अब ये घटनाएँ कौन कौन सी थी? जो ये घटनाएँ थी वो घटनाएँ की नहीं थी, एक्चुअल में क्या थे, वो एक तरीके के एक्ट थे। तो उसमें हमारा ये फर्स्ट एक्ट आया है जो कंपनी ने बनाया है, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अभी ज़रा देखते हैं इसमें क्या है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये एक्ट अपने हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस वैल्यू है कंपनी रूल में। तो इसमें देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या, किस किस लेवल पे है। तो पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया ये फर्स्ट स्टेप था टू कंट्रोल एंड टू सेट अ लिमिट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक लिमिट मिल जाए भारत में कि आप इस लिमिट के अंदर इस कंट्रोल में रहकर ही शासन करेंगे और इस टाइप से आप कंपनी को रेगुलेट करेंगे। बाय दिस कंपनी गेट द परमिशन ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके द्वारा क्या हुआ, अब कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी मिल गए और पॉलिटिकल पावर्स भी मिल गए। अब तक क्या था, कंपनी ने ये सोचा नहीं था कि वो कंपनी यहाँ पर जो भारत में है बिजनेस के अलावा भी कुछ और करेगी, लेकिन अब उसको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल गए और पॉलिटिकल राइट्स मिल गए। दिस सेटअप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस बात को आप ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी में काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप से ये जो डिटेल है ये आपको यूपीपीसीएस में भी काम में आ सकती है और यूपीएससी में तो बट ऑफ कोर्स और जो हमारे छोटे एग्जाम्स हैं उसमें भी। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव यहाँ से रखना स्टार्ट हो गई 1773 से। ये हमारा था रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम लोग देखते हैं ज़रा इस रेगुलेटिंग एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या थी। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट क्या हुआ सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करेंगे तो पहला तो ये हुआ, जो गवर्नर बंगाल के थे उनको चेंज कर दिया गया। पहले जो गवर्नर थे बंगाल के, अब उनको क्या बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जिससे क्या हुआ, एंड फॉर दिस इसके लिए क्या किया, अ 4-member वर्किंग कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। 4 members की वर्किंग कमेटी जो है वो बनाई गई। बाई दिस इसके साथ गवर्नर ऑफ मद्रास, जो मद्रास के गवर्नर थे, जो बॉम्बे के गवर्नर थे, वो डायरेक्टली किसके अंडर में आ गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सीधे सीधे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में आ गए। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया या सेटअप किया गया जिसके अंदर 4 jury members थे। इन 4 jury members में से एक जो थे वो चीफ जस्टिस भी थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर बनाई गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए, द गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी वॉज ऑल्सो सेटअप, जो कि क्या थी, कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी। तो गाइज ये हमारा जो था कंपनी का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ख़त्म हो चुका है और आगे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी लेसन।